हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास तीन अलग अलग नेक बैंड है जो कि तीन अलग अलग कंपनी की तरफ से आता है, और इन तीनों नेक बैंड को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कंपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले है बोट की तरफ से आने वाला बोट निर्वाना 525 ANC, जिसका प्राइस 2800 रुपए के आसपास है, एंड ये इकलौता ऐसा नेक बैंड है जो कि डॉल्बी ऑडियो साउंड के साथ आता है। देन हमारे पास है वन प्लस की तरफ से वन प्लस बुलेट Z2 ANC, इसका प्राइस 2300 रुपए के आसपास है। रेगुलर प्राइस की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसमें भी आपको 45 dB हाइब्रिड ANC का सपोर्ट मिल जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नेक बैंड है। एंड तीसरा हमारे पास है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी बर्ड्स वेलेस 3, जो कि अंडर 2000 रुपीज में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेक बैंड है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन तीनों नेक बैंड को डिटेल में कंपेयर करेंगे एंड बताएंगे आपको कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा एंड कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। प्राइस का डिफरेंस तीनों में काफी है, तो किस प्राइस में कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, सारा कुछ आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। साउंड के लिए कौन सा लेना चाहिए, गेमिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए, बैटरी बैकअप आपको किस में ज्यादा मिलेगा, इन छोटी छोटी चीजों को भी हम डिटेल में क्लियर कर देंगे एंड इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उसमें जंप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा चीज बता दूं, इन सभी नेक बैंड को मैंने खुद बहुत लंबे समय तक यूज किया हुआ, चैनल पर इन सब का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इन तीनों में से जो भी आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद जिसको आप परचेस करने के बारे में डिसाइड करेंगे, उसका डिटेल रिव्यू वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो छोटी छोटी चीजें आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो देखिए, तीनों का ही जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। बट हाँ, अगर छोटी छोटी चीजों को कंपेयर करके बताऊं तो वन प्लस बुलेट Z2 ANC का जो सारा बटन है, जो पोर्ट्स है, वो आपको मॉड्यूल के लेफ्ट साइड में मिल जाता है। तो जब भी आप यूज करेंगे तो नॉर्मली आपको लेफ्ट हाथ से बटन को प्रेस करना पड़ेगा, बट रियलमी एंड बोट का जो सारा बटन एंड पोर्ट्स है, वो आपको राइट साइड के मॉड्यूल में देखने को मिल जाता है। ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का यूज करना पसंद है, बट मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा जब मैं इन तीनों को यूज कर रहा था। एंड तीनों का ही जो साइड का मॉड्यूल है, वो आपको प्लास्टिक का ही मिल जाता है। मेरे पास जो रियलमी है, ये व्हाइट कलर वेरिएंट के साथ है, तो ये ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, बट रियलमी का आपको और भी दो अलग अलग कलर वेरिएंट मिल जाएगा जो कि आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है। तो जो भी डिजाइन आपको पसंद आ रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बट बोट निर्वाना 525 ANC का जो डिजाइन है, वो हल्का सा मुझे यूनिक साइड का लगा है, थोड़ा राउंड करके ये आता है एंड दिखने में थोड़ा सा मुझे प्रीमियम ज्यादा फील होता है जब मैं इसको यूज करता हूं। बाकी तीनों ही नेक बैंड के बटन्स को अगर आप देखेंगे तो चार चार करके आपको बटन्स तीनों में ही देखने को मिल जाता है, तो सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ANC को ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, म्यूजिक को प्ले पॉज करना चाहते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ आप इन बटन्स के माध्यम से कर पाएंगे। बाकी अगर आप बटन्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इनके ऐप के अंदर से जाके। बोट में बोट हेयरबेल करके एक एप्लीकेशन आता है जिनके अंदर जाके आप कुछ बटन फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। वन प्लस के लिए हेमिलिटी एप्लीकेशन है, उनके अंदर जाके भी आप कुछ बटन फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट रियलमी में आप कस्टमाइज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन रियलमी के बटन्स में आपको सारा फंक्शन ऑलमोस्ट मिल जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप इसको यूज करेंगे। एंड रियलमी के एंड वन प्लस का जो पीछे का नेक बैंड है, उनका डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर से आपको मिल जाता है, बट बोट का आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा अलग डिजाइन के साथ आता है, आपके नेक के हिसाब से ऑलमोस्ट बेंड होकर आता है पहले से ही। एंड देन अगर वायर को देखेंगे तो तीनों का ही जो वायर है, वो आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिल जाता है। रियलमी एंड वन प्लस में ऑलमोस्ट सिमिलर वायर का यूज किया गया, जो पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा वन प्लस का मोटा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड बोट का भी आप यहां पर देख सकते हैं काफी मोटा है। एंड वन प्लस एंड रियलमी के नेक बैंड में आपको IP55 का रेटिंग मिल जाता है, जबकि बोट के नेक बैंड में आपको IPX5 का रेटिंग मिल जाता है। देन अगर आप एयर प्लग को देखेंगे तो यहां पर भी रियलमी एंड वन प्लस का जो एयर प्लग है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही डिजाइन के साथ आता है, हल्का हल्का डिफरेंस है, कुछ खास आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। एंड बोट का आप देख सकते हैं काफी अलग डिजाइन के साथ आता है। हालांकि तीनों ही काफी कंफर्टेबल है, अगर आप लॉन्ग आवर्स तक यूज करना चाहते हैं तो तीनों को ही आप लंबे समय तक आराम से यूज कर सकते हैं। बट हाँ, कंपैरिजन वीडियो तो किसी को आगे या फिर पीछे तो रखना है, तो वन प्लस को मैं सबसे आगे रखूंगा कंफर्ट के मामले में, देन मैं रियलमी को रखूंगा, रियलमी का साइज हल्का सा बड़ा है, एंड बोट को मैं यहां पर नंबर 3 पर रखूंगा। एक चीज मैं बताना भूल गया, रियलमी बर्ड्स वेलेस 3 के बॉक्स के अंदर आपको कोई भी डेटा केबल नहीं मिलता है, जबकि बोट एंड वन प्लस के बॉक्स के अंदर आपको डेटा केबल मिल जाता है नेक बैंड को चार्ज करने के लिए। और हाँ, ये जो 525 ANC है ना, इसका जो एयर प्लग है, इसका मैग्नेट उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप इतना इजीली करते हैं तब भी आप देख रहे हैं दोनों डिटैच हो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी दोनों को देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं वन प्लस भाई डिटैच नहीं हो रहा है इजीली, एंड यहां पर अगर आप रियलमी को देखेंगे
तो रियलमी भी भाई इजीली डिटैच नहीं होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल तीनों का ही जो डिज़ाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ हाँ, बोट का जो ईयर प्लग का मैग्नेट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो बहुत कम स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा। बाकी सारा चीज़ें आपको तीनों ही नेक बैंड का बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप तीनों में से किसी भी नेक बैंड को यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं रोड साइड में, अगर पास से कोई गाड़ी गुजर के जाता है तो काफ़ी शोर होता है, एंड ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे के माइक से, तो कितना आवाज़ आपको मिल रहा है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी हम इस नेक बैंड में चूज करके देखेंगे कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। अभी हमने चूज कर लिया इस रियलमी के नेक बैंड में, एंड जो कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने मेरे दूसरे नंबर पर कॉल कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो माइक का क्वालिटी है वो आपको कैसा देखने को मिल जाता है। सिमिलर एक ट्रैक्टर पास से गुजर के जा रहा है तो उसका नॉइज आपको कितना मिल रहा है इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नेशनल हाईवे के साइड पे, एंड नॉर्मली अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है इस कैमरे के माइक से, तो कितना नॉइज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अभी हमने चूज कर लिया वन प्लस बुलेट, मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया कि एक्चुअली जो रिसीवर एंड में किस तरह का आवाज आपको मिलेगा जो आप यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अभी अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली इस कैमरे के माइक से, बहुत ज्यादा यहाँ पर शोर हो रहा है, अगर आपको यहाँ पर साइड बाई साइड दिखाऊँ तो आप समझ सकते हैं। एंड अभी अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है इस बोट निर्वाणा 5 to 5 AMC के बाइक से, तो आप समझ सकते हैं कि कितने आवाज को ये कैंसिल कर पाता है। मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया है तो कॉल जो है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक्चुअली कितना नॉइज को ये कैंसिल कर पाता है वो आप इस स्ट्रोक्स के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। सो आपने देखा कि किस तरह का कॉल क्वालिटी इन तीनों नेकबैंड के साथ आपको मिल जाता है। नेकबैंड का कॉल क्वालिटी हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, तो तीनों को यूज़ करके आप लंबे समय तक आराम से बात कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड आपको एक बार भी उल्टा साइड से कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा कि भाई आपका आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बात कीजिए। बहुत अच्छे कॉलिंग क्वालिटी के साथ तीनों ही नेकबैंड आता है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहूँगा, बोट निर्वाणा 5 to 5 AMC का जो कॉल क्वालिटी है वो मुझे सबसे बेस्ट लगा है, बिकॉज मैंने बाइक चला चलाते भी इसके साथ बात करके देखा है भाई 40-50 स्पीड में भी आपका जो आवाज है ना वो काफी क्लियरली उल्टा साइड में पहुंचता है, एंड बिल्कुल भी जो हवा का आवाज है या फिर जो बैकग्राउंड नॉइज है वो सब बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है सामने वाले इंसान को जिससे आप बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत कमाल के माइक क्वालिटी के साथ ही आता है। एंड दूसरे नंबर पे मैं इस रियलमी बर्ड्स वेलेस 3 को रखूंगा, बिकॉज इसका प्राइस सबसे कम है अगर आप बाकी दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, बट फिर भी इसका जो कॉल क्वालिटी है, जो माइक का क्वालिटी है, जो नॉइज को कैंसिल करने का पावर है वो बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है। तो बजट के अंदर बहुत तगड़े क्वालिटी के साथ ही आता है, एंड बजट अगर आपका इश्यूज नहीं है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड दोस्तों, अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो तीनों का ही बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। वन प्लस को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो करीब 26-27 घंटे तक आप आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट ANC, एंड विद ANC आप इसको 20 घंटे के आसपास यूज कर सकते हैं, जबकि बोट निर्वाणा 5 to 5 AMC को भी आप 27-28 घंटा नॉर्मल कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ANC के साथ आप इसको 23-24 घंटे के आसपास यूज कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी Realme भाई आगे निकल जाता है, इसको आप विदाउट ANC 35 आवर्स के आसपास यूज कर सकते हैं, एंड विद ANC आप इसको करीब 26 घंटा तक यूज कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली इन सभी का बैटरी बैकअप टेस्ट करके देखा है, उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, एंड तीनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बोट को अगर आप 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 10 घंटा तक यूज कर सकते हैं, वन प्लस को अगर आप 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आप 20 घंटा तक यूज कर सकते हैं, एंड Realme को अगर आप सिर्फ 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आप 25 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बैटरी बैकअप में देखेंगे तो यहां पर भी Realme हल्का सा आगे निकल जाता है बाकी दोनों के मुकाबले, बट नॉर्मली अगर आपको 20 घंटे से ऊपर बैटरी बैकअप मिल रहा है कोई नेकबैंड में तो आप उसको आराम से 4-5 दिन तो यूज कर ही सकते हैं, तो इस मामले में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आप तीनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो यहां पर एक चीज मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, OnePlus एंड Realme का जो नेकबैंड है यहां पर आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि बोट निर्वाणा 5 to 5 ANC में आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहां पर ये जो पावर बटन दिया गया मिडिल में, इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके आपको इसको स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ करना पड़ता है। हाँ, कनेक्टिविटी काफी फास्ट है, जैसे ही स्विच ऑन होता है बहुत फास्ट आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, बट हाँ डेफिनेटली मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला जो फीचर है वो ज्यादा यूजफुल लगता है अगर आप मैनुअल पावर ऑन ऑफ के साथ कंपेयर करेंगे। बाकी बोट निर्वाणा 5 to 5 ANC एंड वन प्लस में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि रियलमी में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, बट तीनों का ही जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका रूम में फोन रखा हुआ है, आप बाहर जाके यूज करें या फिर दूसरे रूम में जाके यूज करें या फिर बीच में दो तीन ऑब्स्टेकल्स है,
आप आराम से यूज कर सकते हैं, 10 मीटर डिस्टेंस के अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने तीनों को ही इस तरह से टेस्ट करके देखा, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे यूजर डुअल पेयरिंग फीचर्स वाला नेक बैंड परचेस करना चाहते हैं, तो यहां पर वन प्लस के नेक बैंड में आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको डुअल डिवाइस स्विचिंग का सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि ये जो फीचर बटन दिया है, अगर आप इसको डबल टैप करते हैं तो एक डिवाइस से डिस्कनेक्ट करके आप दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, एंड फिर से अगर आप प्रेस करेंगे तो दूसरे डिवाइस से डिस्कनेक्ट होकर फिर से पहले मोबाइल पर ये कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस Realme Buds Wireless 3 एंड Boat Nirvana 5 to 5 ans में आपको एक्चुअली डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक ही साथ में आप दोनों डिवाइस को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। बाकी तीनों में आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, ऐप के अंदर जाके आप इक्वलाइजर मोड को चेंज करना हो गया, खुद के हिसाब से कस्टम इको क्रिएट करना हो गया, या फिर गेम मोड को ऑन ऑफ करना हो गया, बहुत सारा छोटी छोटी चीजें आप ऐप के अंदर जाके कर सकते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पर, उन वीडियो को जाके देखिए, वहां पर मैंने इन सारी छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। तो उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, जो कि इन तीनों ही नेकबैंड का सबसे हाईलाइटेड फीचर्स है। Realme Buds Wireless 3 में आपको अप टू 30 dB तक ANC का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि Boat Nirvana 5 to 5 ans में आपको अप टू 42 dB तक हाइब्रिड ANC का सपोर्ट मिल जाता है, एंड इस OnePlus Bullet Wireless Z2 ANC में आपको अप टू 45 dB तक हाइब्रिड ANC का सपोर्ट मिल जाता है। क्या है ये हाइब्रिड ANC? तो देखिए, मॉड्यूल में एक माइक तो रहता है, बट साथ ही साथ हाइब्रिड ANC वाला नेकबैंड में यहाँ पर जो ईयर प्लग है ना, यहाँ पर भी दो अलग अलग माइक रहता है, जो कि आपके आसपास के नॉइस को सुनता है। देन तीनों माइक एक साथ में मिलके AI के माध्यम से नॉइस को कैंसिल करता है एंड आपके कान तक पहुंचाता है, जिससे आपको और भी बेटर क्वालिटी मिलता है अगर आप एक नॉर्मल ANC वाला ईयरफोन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो मॉड्यूल के अंदर माइक है, वही सारे आवाज को सुनता है एंड देन AI के माध्यम से नॉइस को कैंसिल करके आपके कान तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली Realme के मुकाबले ये दोनों नेकबैंड काफी आगे निकल आता है, स्पेशली OnePlus Bullet Z2 का जो ANC है वो आपको सबसे बेस्ट मिल जाता है अगर आप किसी भी अदर नेकबैंड के साथ कंपेयर करेंगे। सपोज आप आउटडोर में जाके यूज करें बहुत बिजी एरिया में, तो नॉर्मली 80 dB के आसपास वहां पर नॉइज होता है, तो अगर ये नेकबैंड 45 dB तक कैंसिल कर देता है तो आप समझ सकते हैं करीब 60% साउंड जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा एंड आपको सिर्फ 40% ही आपके कान में सुनाई देगा। तो अगर बाहर में ऐसा हाल है तो घर के अंदर क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। अगर आपके रूम के बाहर कोई टीवी चल रहा है या फिर कोई बात कर रहा है, तब भी उनका जो वॉइस है वो आपको ऑलमोस्ट सुनाई नहीं देगा इस OnePlus के स्नेक बैंड में। Boat Nirvana 5 to 5 ans में भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा, थोड़ा सा आप उससे कम इसको कह सकते हैं। बट अगर आप Realme Buds Wireless 3 को देखेंगे तो जिस प्राइस में ये आपको 30 dB तक ANC का सपोर्ट दे रहा है, इस प्राइस में भाई कोई भी अदर नेकबैंड आपको इस तरह का क्वालिटी नहीं दे सकता है। तो डेफिनेटली ये काफी वैल्यू फॉर मनी नेकबैंड है अगर आप प्राइस के हिसाब से कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आप विनर चूज करने के लिए कहेंगे तो डेफिनेटली मैं OnePlus को नंबर 1 पे रखूंगा, Boat को नंबर 2 पे एंड Realme को नंबर 3 में ANC के हिसाब से। चलिए से बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन तीनों नेकबैंड के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो देखिए, ये जो तीनों नेकबैंड है ना, वो अपनी कंपनी का सबसे महंगा नेकबैंड है, सबसे बेस्ट नेकबैंड है एंड सबसे ज्यादा फीचर रिच नेकबैंड है। तो काफी सारा फीचर साउंड क्वालिटी के मामले में तीनों ही नेकबैंड में देखने को मिल जाता है। अगर सबसे पहले बात करूं OnePlus Bullet Z2 ANC के बारे में, तो इसमें आपको 12.4 mm का डायनामिक ड्राइवर देखने को मिलता है। सेम ड्राइवर OnePlus Bullet Z2 में भी यूज किया गया था, बट Z2 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें आपको Hey Melody ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। बट अगर साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसमें आपको काफी हेवी बेस मिल जाता है, मुझे पर्सनली उतना बेस पसंद नहीं है एंड इसमें रोमांटिक टाइप के सॉन्ग भी अगर आप सुनते हैं ना, तब भी आपको हल्का सा बेस देखने को मिलता है, जो कि मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर जाके अगर आप मोड को चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आप बैलेंस डेफिनेटली कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बट अगर बात करो इस Realme Buds Wireless 3 के बारे में, तो भाई क्या कमाल के साउंड क्वालिटी के साथ ये नेकबैंड आता है। 13.6 mm का लार्ज बेस ड्राइवर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एंड जो बेस का क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छा सुनने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो वोकल्स है, जो ट्रबल है, वो आपको एकदम क्रिप्स एंड क्लियर सुनने को मिलता है। इतने कम प्राइस के अंदर ये नेकबैंड आता है, बट फिर भी इसका जो साउंड है वो बहुत ज्यादा बैलेंस है। इसमें भी आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलता है, ऐप के अंदर आपको 4 अलग अलग इक्यू मोड मिल जाते हैं। अगर आप इक्यू मोड को स्विच कर करके यूज करेंगे तो आप क्लियरली हर एक मोड के अंदर जो डिफरेंस है वो आप नोटिस कर सकते हैं। तो सभी मोड मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी भी जनर का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो ये नेकबैंड आपको बहुत कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो कमाल के क्वालिटी के साथ ये नेकबैंड आता है। एंड लास्ट में अगर बात करो इस Boat Nirvana 5 to 5 ans के बारे में, तो ये अपने आप में भाई एक अजूबा है। मतलब आज से पहले मैंने इस तरह का कोई भी नेकबैंड नहीं देखा है
जो कि इस तरह के साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जो भी गाना रिकॉर्ड किया जाता है ना वो डॉल्बी ऑडियो क्वालिटी के साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है। बट हम लोग जब एयरफोन में सुनते हैं तो डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट एयरफोन में ना होने के कारण वो एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। जब हम नॉर्मली कोई भी एयरफोन को यूज़ करते हैं तब क्या होता है कि आप जो साउंड सुन रहे हैं वो आपके कान में ही सिर्फ बजता है, आपको ऐसा फील नहीं होता कि वो भाई बाहर बज रहा है। बट इस नेक बैंड में वो फील आपको मिलता है। अगर आप कोई भी थिएटर में मूवी देखने गए हैं तो जैसा कि साउंड चारों तरफ से बज रहा होता है ना, सेम एक्सपीरियंस हमें इस नेक बैंड में भी देखने को मिलता है। बट आज से पहले जितना भी ईयरफोन हमने यूज़ किया वो सारा कान में बजता था, एंड अचानक से अगर आपको बाहर बजने वाला एक्सपीरियंस मिलेगा तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या फिर हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये अच्छा लगेगा या फिर नहीं अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लॉन्ग आवर्स तक म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल भी आपके कान में पेन नहीं होता, आपको बिल्कुल भी बंद बंद वाला फीलिंग नहीं मिलता कि भाई मेरा कान बंद है, जो साउंड है वो चारों तरफ से प्ले होने के कारण। एंड ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली ये सॉन्ग में होगा ये सॉन्ग में नहीं होगा, हर सॉन्ग में इसी तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। एंड बाय डिफॉल्ट ये डॉल्बी ऑडियो के साथ तो आता है, बट अगर आप मोड को स्विच करना चाहते हैं तो बोट सिग्नेचर साउंड का भी मोड आता है, आप उसमें स्विच करके भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उस वक्त जो साउंड है वो आपके कान में ही प्ले होता है, जहां पर जो बेस है वो काफ़ी पंची मिलता है, वोकल्स एंड ट्रबल्स आपको एकदम क्रिप्स एंड क्लियर साउंड करता है। एंड वो बोर्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर आप एक म्यूजिक लवर है, अगर आप म्यूजिक को बहुत प्रेम करते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग लेवल का है। बट हाँ, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो 2000 रुपए के अंदर Realme Buds Wireless 3 सबसे बेस्ट नेकबैंड है अगर आप साउंड क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे। सो गेमिंग एक्सपीरियंस आपने देखा कि किस तरह का आपको इन तीनों नेकबैंड के साथ मिल जाता है। Realme Buds Wireless 3 में आपको सिर्फ 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल का होने वाला है अगर आप इस नेकबैंड को परचेस करना चाहते हैं गेमिंग पर्पस में। बहुत ही कम लेटेंसी आपको मिलता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। बाकी बोट में एंड वन प्लस में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो आप उनके साथ जा सकते हैं, बट अगर आप एक प्रो गेमर है स्पेशली गेमिंग के लिए ही परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि Realme Buds Wireless 3 से बेटर नेकबैंड आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना पैसा ही क्यों ना खर्च कर लीजिए। तो गेमिंग के लिए बिल्कुल एक सजेस्टेड नेकबैंड है Realme Buds Wireless 3। बट हाँ, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस एक वायर्ड एयरफोन से बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मैंने सारा चीजें आपको पार्ट बाय पार्ट समझाने की कोशिश किया कि कौन सा पार्ट में कौन सा नेकबैंड आगे है, कौन सा नेकबैंड पीछे है। बट हाँ, फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करके बताऊं तो अगर आप एक बेस्ट ANC वाला नेकबैंड परचेस करना चाहते हैं तो आप OnePlus Bullet Z2 ANC के साथ जा सकते हैं। 2300 रुपये इसका रेगुलर प्राइस है, सेल के टाइम पे ये 2000 रुपये के अंदर भी मिल जाता है। तो 2000 रुपये में जो ANC ये प्रोवाइड करेगा वो बहुत कमाल का होगा। एंड बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साउंड क्वालिटी आपको एवरेज मिलेगा, कॉल क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एंड साथ ही ह्यूमिडिटी आपका सपोर्ट है तो आप मैनेज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप एक म्यूजिक लवर स्पेशली, आपको गेमिंग से मतलब नहीं है, बाकी चीज़ों से उतना मतलब नहीं है, तो फिर आप इस बोट निर्वाणा 5-5 ANC को देख सकते हैं। जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत कमाल का लगा, स्पेशली जो डॉल्बी ऑडियो है वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो कि मतलब आपको मैं समझा नहीं सकता हूं जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे। साथ ही जो कॉल क्वालिटी है वो मुझे बहुत कमाल का लगा, एंड बैटरी बैकअप, ANC सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। सिर्फ हाँ, ये जो मैग्नेट का क्वालिटी है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इससे आपको थोड़ा सा परेशान होना होगा जब आप इसको यूज करेंगे। एंड इसका रेगुलर प्राइस तो है 2800 रुपये, बट सेल के टाइम पे अंडर 2500 मिल जाता है, बिग बिलियन डे सेल में तो ये 2000 रुपये के नीचे मिल रहा था, तो 2200-2300 रुपये तक भी आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं अगर आप स्पेशली म्यूजिक के लिए एक नेकबैंड परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट नेकबैंड कौन सा है, तो भाई Realme Buds Wireless 3 से बेटर कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं है अगर आप ओवरऑल देखेंगे, बिकॉज ये एक ट्रूली वैल्यू फॉर मनी नेकबैंड है। अगर आप इस नेकबैंड को देखेंगे तो इसका कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी तो भाई बहुत ज़बरदस्त है ही, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी आपको सबसे बेस्ट मिल जाता है।
ANC का क्वालिटी भी आपको प्राइस के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लुक भी इस नेकबैंड का काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ जो वायर यहाँ पर यूज़ करके वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट तो आपको मिलता है, जिसके अंदर जाके आप खुद के हिसाब से इक्वलाइजर वगैरह को चेंज करके भी कस्टमाइज करके यूज़ कर सकते हैं। एंड इतना कुछ आपको अच्छा मिल रहा है कितने प्राइस में, 1700-1800 रुपए में। अगर आप देखेंगे तो भाई बोट वाला 2700-2800 का आता है, लेकिन ये आपको सिर्फ 1700 रुपए में इतना अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या जरूरत है 1000 रुपए ज्यादा खर्च करने का। तो मेरे हिसाब से चैंपियन तो एक ही है, Realme Buds Solace 3, जो कि ऑफर लेक परफेक्ट नेक बैंड है बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बाकी दोनों नेकबैंड का भी बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड जो भी अलग अलग कलर ऑप्शन में ये तीनों नेकबैंड अवेलेबल है सबका सेपरेट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा जो भी नेकबैंड आप परचेस करना चाहते हैं इन तीनों में से। तो गाइस मेरा काम तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, बिकॉज आपके एक लाइक से जो वीडियो है ना वो एक नए यूजर तक पहुंचता है जिसको इस वीडियो का जरूरत है, आपके जैसा ही। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, 100K तक पहुंचने में मदद कीजिए, रास्ता बहुत लंबा है, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।